मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक बहुत सरल पद है, ऐसा पद जिसे कहते जाओ, सुनते जाओ या पढ़ते जाओ, हर शब्द का भाव अपने आप प्रकट होता चला जाए, पूछने की आवश्यकता ना पड़े। कबीर साहब के कुछ पद ऐसे हैं जो बहुत गूढ़ हैं और उनकी उलटवासियों को समझने में तो बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो जाते हैं। उनकी विशेषता रही है अध्यात्म की गूढ़ से गूढ़ और उच्च से उच्च बात बहुत सरल उदाहरणों में कह देना। कबीर साहब जो उदाहरण देते हैं प्रायः वही होता है जो आम जनता के बीच प्रचलित है, लेकिन जो पद मैं कहने जा रहा हूं बहुत सरल और सरल ही ज्यादा काम आता है। कठिन बातों में तो एक माथापच्ची होती है, लेकिन सरल बात ही ज्यादा उपयोगी होती है। सरल आदमी ही लोगों को प्रिय होता है। एक सरल पद, उसकी कुछ पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। पद तो लंबा है, पहले पूरा पद में कह दूंगा, कई बार कहा हूं, आप सुनेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको ये पद कितना सरल है लेकिन कितना कल्याणकर है। सतगुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए, उठ लागे सो रार, रार महा नीच है, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए, अमृत फल लिए हाथ सुझे नहीं रार को, श्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को, जाकर जन स्वभाव छुटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होए सिंचे गुड़ घी सो, माला तेरे हाथ कतरनी कांख में आग बुझी मत जान दबी है राख में, कहा भय है बात कहे तेरे पीव को, ऊपर की सब बात फले तेरी जीव को, कहे कबीर पुकारी समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। सतगुरु शरणे जाए के तामत त्यागी है,
सद्गुरु कबीर कहते हैं, तुम यदि किसी गुरु के पास चले गए हो, किसी गुरु से जुड़े हुए हो या किसी गुरु से दीक्षित हो गए हो, तुम गुरु की सेवा करते हो, भक्ति करते हो, गुरु की ज्ञान की बातों को सुनते हो, तो कर्तव्य क्या है? तामस का त्याग करना। गुरु की सेवा कर लेना, गुरु को दान दक्षिणा दे देना बहुत सरल है, लेकिन गुरु जो कहते हैं उसको जीवन में उतारना कठिन है। गुरु भक्ति का फल क्या है? गुरु सेवा का फल क्या है? जो कुछ हम धर्म के नाम पर करते हैं उन सब का फल क्या है? तामस का त्याग। तामस के अनेक अर्थ होते हैं। तामस का अर्थ तमोगुण है, तामस का अर्थ अंधकार, तामस का अर्थ माया और तामस का अर्थ उत्तेजना, क्रोध। ये सभी अर्थ यहां लागू होते हैं। गुरु से जुड़ने का अर्थ क्या है? तामस का अर्थ अंधकार मतलब दोष दुर्गुण। एक घटना याद आती है, कई बार कहा भी हूं, लगभग शायद 3 साल पहले की बात है। इसी उत्तर प्रदेश में एक आश्रम में कार्यक्रम था। लगभग 1:30-2 बजे का समय रहा, कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, बैठे बात हो रही थी, तो एक दंपत्ति आए, पति पत्नी दोनों बैठे। पति ने कहा, पुरुष ने कहा, साहब हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, हमारे परिवार के सभी सदस्य बड़े साहब से दीक्षित हैं, मतलब हमारे गुरुदेव जी के लेके है कि उनसे दीक्षित हैं, हम दोनों ही अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी वहीं दीक्षा लें जहां हमारे परिवार के लोग हैं, आप गुरु जी के स्थान पर इस समय हैं, तो हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा, भाई तुम पहली बार मिल रहे हो, पहले मुझे जांचो परखो कि मैं सही हूं या नहीं हूं, तब तो कुछ होगा। फिर कहना, नहीं साहब हम जानते हैं आपको, हमने दीक्षा आपसे ही लेने के हैं। मैं कहा, कोई बात नहीं, चलो भाई तुम्हारा मन है तो, लेकिन जाओ, 2 बज रहे हैं, भोजन करके आ जाओ। गर्मी के दिन, बैसाख या जेठ का महीना था, 2 बज गए हैं, जाओ भोजन करके आ जाओ, फिर दीक्षा हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी ने कहा था, आप देखो साहब, हमारा आज व्रत है कि जब तक दीक्षा नहीं हम मिलेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मैं कहा था, तो बड़ा गड़बड़ है, टालूंगा तो 2-4 घंटे तो भूखे मर जाएंगे। फिर कहा, अच्छे भाई तो तुम्हारी ये है तो छोड़ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, भोजन तो नहीं किए हो, दीक्षा ले तो हमारी शर्त है, हम हर किसी को दीक्षा नहीं देते, कुछ नियम हमारा है। मैं कहा, कुछ बताओ, कोई दुर्व्यसन तो नहीं कहे तुम्हारे पास? कहे साहब तंबाकू खाता हूं। मैंने कहा, ये बताओ आज कितनी बार तुम वो खाए हो? कह साहब कम से कम 5-6 बार तो खा चुका हूं। मैं कह, 6 बार भोजन कर लिए होते तंबाकू ना खाते तो काम बन जाता।
गुरु से दीक्षा लेने के लिए आए हैं। अपरण क्या है, जब तक दीक्षा नहीं मिलता तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचे जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक तंबाकू नहीं खाएंगे, बड़े प्यार से खाते रहेंगे। यही जो तामस है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु से दीक्षा ले लिए उसके पश्चात उसके बाद तंबाकू खाते रहो, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट आदि खाते पीते रहो। एक गुरु भक्त जो किसी भी गुरु से जुड़े हो, यदि गुरु का भक्त जो गुरु से जुड़ा हुआ है, धर्म के मार्ग में चल रहा है, यदि वो दुर्व्यसन सेवन करता है, तो जो धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जो गुरु से नहीं जुड़े हैं, उनको प्रेरणा कहां से मिलेगी, कैसे प्रेरणा मिलेगी। एक सामान्य सी बात है, एक साधारण आदमी को दुर्व्यसन सेवन नहीं करना चाहिए, और गुरु भक्त गुरु के पास जाकर गुरु से जुड़ करके दुर्व्यसन का सेवन करना, ये तो गुरु के साथ अपराध करना, गुरुद्रोह करना है। गुरुद्रोह क्या है? गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो उपदेश है, उस उपदेश का उल्लंघन करना, गुरु के बताए मार्ग से विपरीत मार्ग में चलना, ये गुरुद्रोह है। यहां सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु शरणे जाय के तामस त्यागी है। तुम गुरु की शरण में चले गए हो या जा रहे हो, तो अपने मन का जो कालुष्य है, उत्तेजना है, गुस्सा है, विकार है, इनका त्याग करो। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को दक्षिणा देते हैं। गुरु को देने के लिए सबसे बढ़िया दक्षिणा क्या है? अपने जीवन की बुराइयां, अपने जीवन की गंदगी, ये सबसे बढ़िया दक्षिणा है कि आज से हम गुरु से जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं, तो अब तक हम जितने भी गलत काम करते रहे, गलत चीज खाते पीते, गलत व्यवहार करते, गलत बोलते रहे, उनको गुरु चढ़ा रहे हैं, अब आज के बाद अपनी गलतियों को इतने दोहराएंगे, यही असली गुरु दक्षिणा है। पैसा दे देना, कपड़ा दे देना, फल दे देना, भोजन दे देना या कोई चीज दे देना, वो तो बाहर का है, नकली, उसकी भी आवश्यकता होती है, लेकिन वो ऊपर ऊपर का है। गुरु से जुड़ने का अर्थ है जीवन का परिवर्तन, और जीवन परिवर्तन का अर्थ क्या है? मन का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, चिंतन का, विचार का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन। और ये कब होगा? तब अंदर कालुष्य है, अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, उत्तेजना है, इनका त्याग करने से होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागी। गुरु से दीक्षा ले लेने मात्र से कोई गुरु भक्त नहीं हो जाता, गुरु भक्त तो वह है जो संयमी है, सदाचारी है, दुर्व्यसन मुक्त है, दुर्गुण मुक्त है, दुराचरण मुक्त है। वो गुरु से दीक्षा लिया हो या ना लिया हो, वो असली गुरु भक्त है। एक पंक्ति पर्याप्त है। हमें सोचना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन सा तामस है, कौन कौन सा कालुष्य है, कितनी कितनी गंदगी हम पाल करके रखे हुए हैं। अंदर का अज्ञान रूपी जो तामस है, अंधकार है, ये मिट जाए, बस गुरु से जुड़ गए। सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागी। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी। अंदर का तामस का त्याग हो गया। पहचान क्या है?
सदगुरु कबीर कहते हैं कोई तुम्हें भला बुरा कह दे, भला बुरा का मतलब, वैसे हम भला बुरा कहते हैं, भला बुरा का मतलब होता है बुरा ही बुरा, भला कहने पर कोई झगड़ा करता है क्या? कहते उन्होंने भैया आज मुझे बहुत भला बुरा कहा, भला बुरा, भला नहीं कहा बुरा बुरा कहा है, तभी तो दुखी हो रहे हो। तो भला बुरा कही जाए तो उठ ही नहीं लागे। साहब कहते हैं कि तुम्हें भला बुरा कह दे, तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हारी निंदा कर दे, तुम्हारे सामने तुम्हें कटु बात कह दे, अपशब्द कह दे, तो उठ करके लगो मत, प्रतिक्रिया में मत पड़ो, प्रतिशोध में मत पड़ो। और हमारे मन में बहुत जल्दी रिएक्शन पैदा होता है, तुरंत हम प्रतिक्रिया में आ जाते हैं। ये प्रतिक्रिया अपनी हार है। होने चाहिए कि अंदर मन में भी कोई प्रतिक्रिया की भावना ना हो, जबान से या कर्म से होना ही नहीं है, अंदर से प्रतिक्रिया का त्याग। और हर आदमी प्रतिक्रिया में जिया है, देखा होगा आप लोगों ने, लोग रास्ता चलते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, वो मुझे क्या समझता है, मैं दिखला दूंगा उनको, मैं कम थोड़े हूं, पता नहीं आदमी क्या क्या कहता रहता है। और ऐसा कह करके आदमी अपना जी जलाता है, दूसरे इंसान क्या करेगा। तो भला बुरा कही जाए तो उठ ही ना सकते, तुम्हें कोई भला बुरा कह दे, सामने ही अपमान कर दे, सामने तुम्हारी घोर निंदा कर दे, तो प्रतिक्रिया में मत पड़ना, बदला लेने की भावना मत रखना। उठ लागे सो रार, रार महानीच है। यदि कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है और तुम भी वैसा कहने लग जाए तो परिणाम क्या होगा? रार, झगड़ा बढ़ेगा। कोई हमें भला बुरा कह रहा है, हम शांत रह गए, आप शांत रह गए, विवाद खत्म। और जिसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हम भी गलत व्यवहार करें, तब वो फिर करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो झगड़ा बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा। और रार महानीच है, सदगुरु कहते हैं रार बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना, ये तो अपने को नीचे की ओर ले जाना है, पतन की ओर ले जाना है, गलत काम है। लड़ लड़ करके आज तक कौन शांति पाया है? किसी विवादी को हराने का, पराजित करने का सबसे बढ़िया रास्ता है मौन हो जाना। लेकिन हमारा अहंकार क्या कहता है? देखो तुम मौन हो जाओगे ना तो तुम्हें लोग कमजोर समझेंगे, दब्बू समझेंगे, तुम्हें बार बार दबाएंगे, इसलिए तुम ईंट का जवाब पत्थर से देना। लेकिन याद रखना, यदि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो पत्थर का जवाब लोहे से देगा, तब क्या करोगे? पलटू साहब अयोध्या में, वो एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, पलटू साहब का अखाड़ा आज भी प्रसिद्ध है अयोध्या में, कबीर साहब के बाद हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे संत हुए हैं, वैराग्यवान, फक्कड़ मस्त, वो भी डरते नहीं थे किसी को कुछ कहने में। उन्होंने कहा है, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। साहब कहते हैं हम तो लड़ने के लोग आते हैं, वो बोलते रहते हैं, मैं चुप रहता हूं, हार कर चले, कब तक वो लड़ेंगे? तो साहब कहते हैं कि उठ लागे सो रार, रार महानीच है। उठ करके लग जाना, प्रतिक्रिया में पड़ जाना, प्रतिशोध में पड़ जाना, झगड़ा बढ़ाना है। और झगड़ा बढ़ाना
अपने आप को नीचे की तरफ ले जाना है। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन ये जीवन जीने की कला है। एक धार्मिक आदमी, एक गुरु भक्त आदमी यदि लड़ता है बात बात में दूसरों से, तो दूसरों के लिए हम क्या कहेंगे? जही घट उपजे क्रोध, सोई घट मीच है। सदगुरु कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया में पड़ करके क्रोध उत्पन्न होता है, तो समझना तुम्हारी आध्यात्मिक मौत हो गई। हम शरीर की मौत से डरते हैं, हर समय आदमी भयभीत है कि मौत ना हो जाए, मौत ना हो जाए। लेकिन मौत से आज तक बचा कौन है? शरीर की मौत मौत नहीं है, ज्ञान की, विवेक की, विचार की मौत, आध्यात्मिक मौत मौत है। शरीर तो मरना ही मरना है, कोई रोका, कोई रोक नहीं सका है, कोई रोक सकेगा भी नहीं। शरीर को खत्म होना ही होना है। हाँ, जब तक प्रारब्ध है, नियम से, संयम से, परहेज से, सावधानी से रहें। लेकिन शरीर की मौत तो आएगी ही आएगी, उसके लिए कोई करना कुछ नहीं पड़ेगा अपने को। वो तो हर क्षण आ रही, हर क्षण मौत हमारे सामने आ रही है। विश्वास हो या ना हो, आदमी जल्दी विश्वास कहां होता है? अभी रात है, रात होने जा रही है, किसी घर जाकर किसी में मौत की चर्चा करें तो घर वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। रात में मौत की चर्चा कर रहे हो? लेकिन चाहे रात में करो, दिन में करो, तो मौत तो तभी आएगी जब आपका प्रारब्ध पूरा होगा, आयु पूरी हो जाएगी, तभी मौत आएगी। तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन हकीकत क्या है? हमारा हर कदम हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। कौन सा कदम आखिरी कदम होगा पता नहीं है, लेकिन हकीकत है ये कि हमारा हर कदम हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। हम लाइन में खड़े हुए हैं। बस मैं कहा करता हूं, आप लोगों ने ट्रेन में यात्रा की होगी। अब आजकल तो जमाना रिजर्वेशन का है, यात्रा करनी होती है लंबी यात्रा तो ट्रेन में हम टिकट कटवा लेते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं। रिजर्वेशन करवाने के लिए गए काउंटर पर, या आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हमें यदि कंफर्म टिकट मिल गया तो बड़ी खुशी होती है, टिकट कंफर्म टिकट मिल गया है, अब यात्रा बड़ी सुखद होगी, आराम से सोते बैठते यात्रा कट जाएगी। और कदाचित कंफर्म टिकट ना मिल करके वेटिंग का टिकट मिला तो मायूसी होती है, उदासी होती है, अरे वेटिंग का टिकट मिला है, पता नहीं कंफर्म होगा टिकट कि नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा, यात्रा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। हम जगह जगह सोर्स लगाते हैं, वीआईपी कोटा तो ये कोटा तो वो कोटा, कहां कहां सोर्स लगाते हैं। और कभी कभी हमारी वेटिंग कंफर्म हो जाती है, टिकट मिला था वेटिंग का लेकिन कंफर्म हो गया, तब बड़ी खुशी होती है। लेकिन याद रखना होगा, मौत की गाड़ी में हम सब वेटिंग में चल रहे हैं और ये कंफर्म होना पक्का है, सोर्स लगाने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मौत की गाड़ी में वेटिंग में हैं, किसी की वेटिंग पहले, कभी पिता की वेटिंग पहले कंफर्म हो जाएगी, कभी बेटे की वेटिंग कंफर्म होगी, कभी पति की वेटिंग पहले कंफर्म हो जाएगी, कभी पत्नी की वेटिंग पहले कंफर्म हो जाएगी। लेकिन वेटिंग सबका कंफर्म होना, यहां किसी का सोर्स काम नहीं आने वाला है।
कितना शर्त लगा लो, बचेंगे नहीं मौत की वेटिंग से। तो मैं ये कह रहा था कि हम शरीर की मौत से घबराते हैं, हम घबराने का आवश्यकता नहीं है, स्वागत करने की आवश्यकता है। और मौत का स्वागत क्या है, साहब ने कहा है, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई। दुनिया के लोग मरते मरते मर तो रहे हैं, लेकिन किसी को मरने की कला मालूम नहीं है। क्या मरने की भी कोई कला है? मरने की सर्वोत्तम कला है जीवन को सर्वोत्तम ढंग से जीना, जीवन को पूरी प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से, समग्रता से जीना, यह मरने की कला है। जिस आदमी को जीवन की कला नहीं आती है, जीने की कला नहीं आती है, वही आदमी मौत से भयभीत होता है। और जीवन को जो समग्रता से जी रहा है, प्रफुल्लता से जी रहा है, प्रसन्नता जी रहा है, उसे घबराने की आवश्यकता क्या है? मैं मूल बात पर आता हूं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जहि घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जब किसी बात की प्रतिक्रिया में पढ़कर मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो ये समझना कि हमारी आध्यात्मिक मौत होगी, हमारे धर्म की मौत होगी, हमारे ज्ञान की मौत होगी, और यही मौत दुखदाई है। शांत रहने की आवश्यकता है। उसके लिए साहब आगे कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। यदि कोई तुम्हें गाली दे तो गाली का उत्तर गाली से मत देना, क्योंकि तुम्हारे गले में, तुम्हारे पास मीठी वाणी का अमृत है, कोमलवाणी का अमृत है, शांति का अमृत है, उसे घोल कर पीते क्यों नहीं हो? वो गाली दे रहा, देने दो। गाली सदैव, गाली देने वाला ही कमजोर होता है। गाली देने वाला ये समझता है कि मैं बलवान हूं, बलवान गाली नहीं देगा। भीतर से जो कमजोर होगा उसी की जबान से गाली निकलेगी, चाहे मैं हूं, चाहे दूसरे हो, या तीसरे हो, या कोई हो। और गाली सिर्फ हमारी मूर्खता को और हमारी असभ्यता को प्रकट करती है। जितनी मूर्खता होगी भीतर और जितनी असभ्यता होगी, उतनी ही जबान से गाली निकलेगी। जिसके भीतर की मूर्खता समाप्त हो गई है, जिसके भीतर की असभ्यता समाप्त हो गई है, उसके जबान से कभी गाली निकलेगी ही नहीं। वो जो बोलेगा, तौल कर बोलेगा, सही बात बोलेगा। सद्गुरु कहते हैं, कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो गाली को उत्तर गाली से मत देना, और गाली सुन करके दुखी मत होना। दुनिया में ऐसा कौन महापुरुष हुआ है जिसे गाली ना मिली हो? एक भी नाम बता दो। बड़ा बनना है, बड़ा होना है, तो रास्ता यही है, अपमान सहन करना, निंदा सहन करना, गाली सहन करना। बिना अपमान, निंदा, गाली सहन किए कोई आदमी महापुरुष हुआ हो, संत हुआ हो, आप बता सकते हैं? किसी महापुरुष के इतिहास उठा करके देख ले, सबको गाली मिली है, लेकिन उनकी विशेषता क्या रही है? गाली सुन करके मुस्कुराते रह जाना,
हम उनका गुणानुवाद गाते हैं। अब कहते हैं उन्होंने ऐसी गाली दी वो शांत रहे, लेकिन हम उतार नहीं पाते जीवन में, यही हमारी कमजोरी है। तो गाली को उत्तर गाली से देंगे, सिलसिला कब तक होगी? गाली को मारने का रास्ता है मौन रहना। कबीर साहब की साखी याद होगी सबको, आवत गाली एक है पलटत होय अनेक, कहें कबीर ना पलटिए वही एक की एक। गाली जब भी आती है अकेली आती है, पलट दो तो अनेक हो जाती है। किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने गाली दी, मैंने दी तो उसने फिर दी, उसने दी तो मैंने फिर दी, कब तक? अंत में चुप तो होना है, चाहे गाली सुन करके चुप हो जाए, चाहे 100 गाली देकर के चुप हो जाए, अंत में चुप तो होना है। कब तक देते रहेंगे? समय बर्बाद किए, जबान बर्बाद किए, मन बर्बाद किए, द्वेष बढ़ा लिए और तब चुप हुए? रास्ता बढ़िया यही है कि पहले चुप हो जाए। गाली देने वाला बड़ा नहीं होता है, गाली सुनने वाला, सहन करने वाला बड़ा होता है। ये कसौटी है। तो जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। साहब कहते हैं तुम्हारे पास मीठी वाणी का, कोमल वाणी का, शांति का, प्रेम का अमृत है। उस अमृत को स्वयं पियो और दूसरों को पिलाओ। जहर नहीं बांटना, जहर नहीं पीना है। जहर अपने भीतर भीतर उगालना नहीं, कोई जहर दे रहा है बाहर से, गाली जहर ही है ना, उसको पी जाए, शांत होकर के सहन कर ले, आप सचमुच में महान हो जाएंगे। कहा जाता है देवता और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में एक रत्न था हलाहल विष, और रत्नों को तो लोग बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए। अमृत भी निकला तो देवता लोग मिल बढ़ के कर सब बांट कर पी लिए। लेकिन जब हलाहल विष निकला तो कहा जाता है उसको इतना तेज प्रभाव था कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, सबकी सांस रुकने लगी, दम फूलने लगा, लगा कि थोड़ी देर में प्राणांत हो जाएगा सबका, पूरी दुनिया निर्जीव हो जाएगी। अब क्या करें, कौन रक्षा करे? सभी देवताओं ने अमृत पी लिया था। अब अमृत पी करके जब तुम अमर हो गए तो जहर पीने में हर्ज क्या है? लेकिन कोई देवता सामने नहीं आया। एक देवता सामने आए, शंकर, और उन्होंने जहर पी लिया, जहर को पचा लिया। फिर शंकर देवता नहीं रह गए, देवाधिदेव महादेव बन गए, देवताओं का देवता महादेव। कब? जब जहर पिए तब। एक रूपक है, महादेव आप भी बन सकते हैं। वो महादेव ने बात में नहीं कहता हूं, हर व्यक्ति महादेव बन सकता है। हर व्यक्ति के भीतर महादेव छिपा हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन उद्घाटन हम नहीं कर पाते। उद्घाटन कैसे होगा? जब जहर पिएंगे। एक गाली जहर है, अपमान जहर है, निंदा जहर है, प्रतिकूलता जहर है, दुख जहर है। इनको पी करके शांत रह जाना, प्रतिक्रिया में ना पड़ना, भीतर का महादेव उद्घाटित हो जाएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।
सदगुरु कहते हैं तुम्हारे गले में प्रेम का अमृत है, उसको घोल करके पियो और दूसरों को भी पिलाओ। अमृत केरी पोरिया बहुविधि चिन्हा छोर, आप सरेखा जो मिले ताही पिया हो घोर। साहब कहते हैं यही रास्ता है। लड़ तो रही पूरी दुनिया, दुनिया के पीछे जाना है या गुरु के पीछे जाना है? दुनिया के पीछे जाना है तो लड़िए, गाली गलौज, मार पीट जो करना हो वो करे। गुरु के पीछे जाना है, कल्याण धाम में जाना है, मोक्ष धाम में जाना है, तब लड़ना बंद करना होगा। तब अपने भीतर का जो अमृत है, प्रेम का अमृत, शांति का अमृत, समता का अमृत, सहनशीलता और धैर्य का अमृत, इसको पीना होगा। और इसको जो जितना पिएगा उतना ऊपर उड़ता चला जाएगा। रास्ता बहुत सरल है, हमारी आदत बिगड़ी हुई है। इसलिए हम पिछड़ जाते हैं, जो हुआ सो हुआ। आगे के लिए ये सोचना है कि विष पान करके, मतलब विष उगल उगल करके जीना है या अमृत पान करके जीना है। विष तो हर आदमी के भीतर विष है, कड़ता, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, इनको ही मारना है। गुरुदेव जी कहा करते थे अपने भीतर के जहर को मारो और दूसरों द्वारा उगले हुए जहर को पी जाओ, सहन कर लो। भीतर जहर क्या है? कड़ुता, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, गाली, निंदा, तमाम बुरा, ये जहर है, इसी को मारना। इसलिए साहब ने कहा था कि सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागे। गुरु के पास जाते हो, गुरु से जुड़े हुए, गुरु की पूजा करते, गुरु की भक्ति करते हो, तो अंदर के तामस को त्याग कर दो, अंधकार को दूर कर, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जलाना है। हम कहते भी है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। तमस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो गुरु तो ले जाने को तैयार बैठे हैं, कि हमारी तैयारी है या नहीं है, हम अपने को उस योग्य मानते हैं या नहीं मानते हैं। गुरु तो सब कुछ ज्योति की ओर ले जा रहे हैं, प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं जाना चाहते। तो गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माहे चूक, शिष्य में ही चूक है, शिष्य में कमजोरी, तो गुरु कितना करेंगे। तो एक पंक्ति, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए, गुरु के पास चले गए हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, गुरु बता रहा आपके पास चल रहे हो, तो अंदर का जो तामस है, अज्ञान, अंधकार, उत्तेजना, कालुष, कमजोरियां, इनका त्याग करो पहले। यही गुरु को असली दक्षिणा देना है और इसी से हमारा जीवन ऊपर उठेगा। और कई पंक्तियां हैं लेकिन इतने पर्याप्त है। सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए, उठ लागे सो रार, रार महा नीच है, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, कल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। सदगुरु का जो संदेश है उसको हम मनन करें, मनन करके जीवन में उतारें, निश्चित ही है अमृत की ओर हम बढ़ते जाएंगे, अमरता की ओर बढ़ते जाएंगे और पूरी शांति सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कबीर पार्क संस्थान प्रयागराज के 43वें वार्षिक अधिवेशन पर आप लोगों ने जो
आकर यहाँ कार्यक्रम सुबह बढ़ाई, उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 43वां वार्षिक अधिवेशन पूज्य साहब जी के विचारों के साथ यहीं पर संपन्न होता है। साहब तो धन्यवाद दे दिए हैं, यहीं पर यह सत्संग कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।